हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर से लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो आज का मेरा टॉपिक है, जो फिलिप्स का टीवी आया है मेरे पास, उसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। जब मैं लाइन देता हूँ, टीवी तो ऑन हो जाता है, लेकिन उसका स्क्रीन का प्रॉब्लम है। आप लोग देख सकते हैं, टीवी का लाइन देने के बाद ब्लू स्क्रीन आया है, लेकिन उसके ऊपर पे रेड स्क्रीन आया है और पिक्चर पिक्चर लो हो गया है और रेड स्क्रीन होके ब्लू स्क्रीन बढ़ गया है। इसका प्रॉब्लम जहाँ जहाँ से होता है वो खोज के निकलूँगा आपके साथ, आप लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल का नया वीडियो, और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलो देखते हैं दोस्तों, हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो तो रेड स्क्रीन होके ब्लू ब्लू कलर आ रहा है, लेकिन इसका फॉल्ट जो आता है, एक तो हमारा हमारा 180 वोल्ट से आता है, 180 वोल्ट से आता है, और 180 वोल्ट हमारा शॉर्टेज होगा तो हमारा एक प्रॉब्लम और आएगा। स्क्रीन पे हमारा वाइट स्क्रीन देखेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे ब्लू स्क्रीन है, लेकिन ब्लू स्क्रीन है और हमारा व्हाइट स्क्रीन नहीं है, इसीलिए हमारा 180 वोल्ट ओके होना चाहिए। देख सकते हैं हमारा 180 वोल्ट ओके है, लेकिन हमारा जो और एक वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे, जो हमारा आई के और ब्लू का जो पॉइंट आता है उसका वोल्टेज चेक करेंगे। ये है हमारा हाई के है वोल्टेज, ये हमारा 4.85 वोल्ट ओके है, और हमारा RGB चेक करेंगे, ये हमारा आर का जो पॉइंट आता है वो इसका वोल्टेज है 1.5, और जी का भी 1.5, और बी हमारा देख सकते हैं 5.1 हो गया है। इसीलिए दोस्तों हमारा ये जो ब्लू स्क्रीन रेड स्क्रीन पे आ रहा है, इसी इसी का प्रॉब्लम है। मतलब हमारा ये वोल्टेज होना चाहिए 1.52 वोल्ट का तरफ। और एक वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे दोस्तों, जो आउटपुट निक पे जो वोल्टेज आता है, जो बेस पे वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा एक वोल्टेज जो 143 दिखा रही है, और एक वोल्टेज ये आर होना चाहिए हमारा, जो वोल्टेज 143, और हम लोग जी पे चेक करेंगे, जी का वोल्टेज हमारा होना चाहिए 145, 142 हमारा जी का भी वोल्टेज ओके है, आर का भी वोल्टेज ओके है, लेकिन दोस्तों हमारा ब्लू पे जो वोल्टेज होना चाहिए 144, वो नहीं है हमारा, वहाँ पे वोल्टेज है 25 वोल्ट। दोस्तों एक तो हो सकता है मैं हमारा जो सिस्टम आईसी का जो वोल्टेज आ रहा है वो प्रॉब्लम दे रहा है, और एक हो सकता है जो फिल्टरिंग करने के बाद जो ट्रांजिस्टर वोल्ट देता है उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा तो एक ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकते हैं, और एक आईसी से जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चेक करेंगे, खोज के निकालेंगे वो क्या क्या फॉल्ट है, कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है चलो देखते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा बेसबोर्ड जो ओपन कर लिया है मैंने। इसका जो ट्रांजिस्टर है 2330, ये शॉर्टेज हो सकता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हीट हो रहा है और वोल्टेज सप्लाई नहीं दे पा रहा है, इसीलिए पहले तो हम लोग चेक करेंगे। ये प्रॉब्लम का ज़्यादातर प्रॉब्लम ये बेसबोर्ड से होता है। ये जो वीडियोकॉन फिलिप्स का जो टीवी का प्रॉब्लम होता है कलर का, ये ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर से आता है। इस ट्रांजिस्टर को पहले मैं चेंज करूँगा, जो 2330 का ट्रांजिस्टर है, इसको चेंज करके पिक्चर देख लेंगे दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे नया वाला ट्रांजिस्टर लगा लिया हूँ 2330 का,
लेकिन इसका शॉर्टेज अभी तक नहीं काटा है। उसका प्रॉब्लम यहाँ से हो सकता है, जो ट्रांजिस्टर अदर साइड जो ट्रांजिस्टर है वो प्रॉब्लम हो सकता है, और जो जेनार डायोड यहाँ पे प्रोटेक्शन के दिए दिया गया है वो भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं आगे क्या प्रॉब्लम निकलता है। दोस्तों हमारा फॉल्ट निकला है, ये वाला ट्रांजिस्टर फॉल्ट नहीं है, ये नया वाला ट्रांजिस्टर जो लगाया था मैं ओपन कर लिया हूँ और पुराना वाला ट्रांजिस्टर लगा दिया हूँ। आज दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज होना चाहिए था वो वोल्टेज भी आ गया है, और जो हमारा पिक्चर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं हमारा टीवी ओके हो गया है। मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था आज का वो कलर फॉल्ट का प्रॉब्लम था, वो हमारा यहाँ पे जो जेनर डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए, वो हमारा शॉर्टेज होने के लिए हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लू पे वोल्टेज होना चाहिए था 140 वोल्ट, वहाँ पे 150 आ गया है, और ये आर पे भी 127 जो कंट्रोल के बाद आता है वो आ गया है, और ये जो जी पे भी हमारा 131 आ गया है। मतलब मेरा आज ये सेट ओके हो गया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।